भाई यार, नहीं, काउंसलिंग लेटर की, BHU के काउंसलिंग लेटर की इंतहा हो गई इंतजार की। कौन से डिग्री खबर नहीं आई, लोग परेशान हैं। मतलब इतनी बेचैनी है कि मैं स्ट्रेंथ एक्सप्रेस करूँ फीलिंग्स में उन जीनों को, तो फीलिंग्स में हम कह सकते हैं कि जब एक छोटे बच्चे को उसकी माँ घर छोड़ के बाजार चली जाती है, तो जिसे उसे इंतज़ार होता है, तड़प होती है जो कि बस आ जाए घर, कुछ वैसी ही तड़प है फीलिंग्स में। और हम अगर बात शब्दों की करें, शब्दों में अगर बयां करें, तो मीन्स जितनी बेचैनी, जितनी बेसब्री हमारे छात्रों में है काउंसलिंग लेटर को लेके, अब तक नहीं आया, अब तक नहीं आया, मीन्स इतनी बेचैनी ना। पुराने फिल्मों में जो वो होते थे ना, क्या बोलते हैं, खंडहर टाइप जो किले होते थे जहाँ अक्सर हीरो हीरोइन मिला करते थे, तो वहाँ हीरो पहले आ जाए, हीरोइन पहले आ जाए, तो उसे भी अपने हीरो या हीरोइन का उतनी बेसब्री से वेट नहीं रहता था जितनी बेसब्री से इन्हें। भाई परेशान हो कि क्या कर लोगे, पेशेंस रखो। समझ रहा हूँ सबके साथ होता है, बट है पेशेंस। काउंसलेटर को जब आना होगा तो वो आएगा, और हर साल आता है, इस साल भी आएगा, ऐसा थोड़ी कि इस बार नहीं आएगा, आएगा। पेशेंस रख लो थोड़ा सा, मीन्स थोड़े पेशेंस रखने से आप कुछ बिगड़ेगा नहीं। और बहुत लोग तो मतलब ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, मतलब व्यंग कर रहे हैं ना इस पे, मतलब पूछिए मत, देख हंसी आ रही है, हंसने में भड़क जा रहे हैं। आप हमारी जगह होते तो पता चलता, अरे भैया समझ रहे हैं, चलो हम भी साथ में परेशान हो जाएंगे। दो तो चार पोस्ट हमने भी डाल दी हैं, काउंसलिंग लेटर कब आएगा? तो काउंसलिंग लेटर आ जाएगा क्या? नहीं ना, जब आना होगा यथा समय आएगा। सब्र का फल मीठा होता है, हाँ, हालांकि हमेशा नहीं होता है सब्र का फल मीठा, लेकिन ज़्यादातर कहा जाता है सब्र का फल मीठा होता है। तो इंतज़ार कीजिए सही समय आने का, तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने जो पेपर्स हैं उनको रेडी कर लीजिए काउंसलिंग के लिए, और उसके बाद भी टाइम मिल जाए थोड़ा मज़े लो, मूवी वगैरह देख लो, उसके बाद भी टाइम मिल जाए थोड़ा पढ़ाई भी कर लो, कुछ बिगड़ थोड़ी रहा है। बाकी इंतज़ार की जो फीलिंग है ना, वाकई गजब होती है, इसे तो मानता हूँ मैं, पर ऐसी तड़प का कोई फायदा नहीं है। मीन्स ये तड़प जो है ना, वो तलब वाली सेंस में पहुँच जा रही है धीरे धीरे, तो तड़प को तड़प और तलब को तलब रहने दीजिए, दोनों को मिक्स मत करिए। बाकी गुड नाइट वीडियो है आप सभी लोगों को, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो पसंद तो आएगा ही, अगर नहीं आएगा तो डिसलाइक कर देना, पसंद आ गया तो लाइक कर देना। सब्सक्राइब आप बहुत लोगों ने किया है, एंड जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब करो दो। बाकी चीज़ों को माइंड मत करना, वरना माइंड करोगे तो खुद पछताओगे, मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ होता नहीं है। बाकी जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी थी तैसी। सो हर हर महादेव, राम राम, गुड नाइट।